Hello, friends. आज जिन बच्चों या बड़ों को अक्सर कॉर्न्स, मस्से आदि हो जाते हैं, पैरों में गट्ठे पड़ जाते हैं, इसके ऊपर हम आपको बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन बताएंगे, इसका कारण भी बताएंगे। मानव शरीर के अंदर तीन विष होते हैं जो समान मात्रा में बहुत कम लोगों को के अंदर होते हैं, बहुत कम लोगों के शरीर में होते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। ये समान मात्रा में किसी को नहीं होते, ज़्यादातर को तो नहीं होते, किसी को ज़्यादा किसी को कम रहते हैं। अनुपात में विष कम ज़्यादा होने की वजह से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, जिस कारण प्राय रोगी बने रहते हैं। और व्यक्ति को रोग मुक्त होने नहीं देते, कई बार ठीक होकर फिर से वही दिक्कत वापस लौट आती है, दोबारा से रोगी को वही रोग सताने लगता है। प्रश्न ये होता है कि साइकोसिस है क्या? फ्रेंड्स, साइकोसिस का अर्थ होता है गोनोरिया। ये गोनोरिया कईयों को जेनेटिक भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि गोनोरिया को तेज दवाइयों के द्वारा, एंटीबायोटिक्स वगैरह या अन्य कोई दवाइयों के द्वारा दबा दिए जाने पर ये शरीर के बाह्य अंगों पर आपको कुछ समय के लिए ठीक महसूस होगा, लगेगा कि व्यक्ति ठीक है, लेकिन ये शरीर के अंदर हमारे शरीर के नाजुक अंगों को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने लगता है। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे जननेन्द्रियों, मूत्रेंद्रियों को, सबसे ज़्यादा इंसान की जननेन्द्रियों को प्रभावित करता है। गोनोरिया के कारण ये कई बार हम इसको संक्रमण समझ लेते हैं और संक्रमण का इलाज कराते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। एंटीबायोटिक्स लेने से वो संक्रमण कुछ समय के लिए दब जाता है, लेकिन जो मेन कारण इसका है, इस बीमारी का, वो है गोनोरिया। उसका उपचार यदि सही तरीके से नहीं किया जाए तो रोगी की हालत दिन प्रतिदिन खराब करनी शुरू कर देता है, मरीज जर्जर होने लगता है। इसमें संक्रमण तो आपने ठीक कर लिया, चलो किसी तरह से एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह लेके, लेकिन जो अंदरूनी हमारे शरीरों को, ये शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, उसका इलाज केवल और केवल होम्योपैथिक में है। इसके विष को होम्योपैथिक में मेन कारण है सिम्टम्स के आधार से जो हम मेडिसिन देते हैं, लक्षणों के आधार से जो मेडिसिन देते हैं, उन मेडिसिन से इसका विष हमारी बॉडी के अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसके कारण रोगी के मूत्र में जलन होने लगती है, यूरेथ्रा जिसे मूत्र नली कहते हैं उसमें जलन होने लगती है, स्ट्रक्चर हो जाते हैं, कई बार उसके अंदर सिस्ट भी बन जाते हैं जिससे रोगी को पेशाब पास करने में बड़ी दिक्कत होती है। ग्रीन
जैसा हरा जैसा कलर हो जाता है यूरिन का, और यूरिन बार बार जाने की इच्छा होती है, एक बार में यूरिन साफ नहीं होता, और श्लेष्मिक झिल्लियों के कुछ टुकड़े यूरिन के रास्ते आने लगते हैं। रोगी व्यक्ति जिस समय टॉयलेट जाता है तो टॉयलेट के ऊपर भी कई बार तेल जैसे कण टॉयलेट में दिखाई देते हैं। ये सब सिम्टम्स गोनोरिया के कारण हैं, और इसका इलाज होम्योपैथिक द्वारा संभव है। संभव क्या, बिल्कुल ठीक हो जाता है मरीज। रोगी को इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए हम होम्योपैथिक में 5 दवाइयों का यूज करते हैं, वे मैं आपको सभी मेडिसिन बताऊंगा, उनके आपको एक एक मेडिसिन के सिम्टम्स बताऊंगा, जो आज तक शायद किसी डॉक्टर ने इतने डीपली आपको नहीं बताए होंगे। शरीर की अवस्था जब विकृत होने लगती है, इसे विकृति के कारण होने वाले शरीर के हमारे पार्ट्स जो होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने को ही साइकोसिस कहते हैं। साइकोसिस के कारण हमारे शरीर में जगह जगह मस्से निकलने लगते हैं, हाथों पर, नाक पर, अंजीर की शक्ल के, फूल गोभी की शक्ल के, पुरुषों की जननेंद्रियों में हो जाते हैं, मूत्रेंद्रियों में हो जाते हैं, तो मस्सों के रूप में साइकोसिस के लक्षण हमारे शरीर में स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसका सफल इलाज जो है उस पर मैं आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगा। हमने इस रोग से बहुत से रोगियों को निजात दिलाई है। क्लिनिकल बहुत ही ज़्यादा ट्रायल के बाद हम ये कुछ मेडिसिन आपको बता रहे हैं। ये इस तरह से इतनी डीपली मेडिसिन कोई नहीं बताया होगा। आप खूब वीडियो देखते भी होंगे फ्रेंड्स, किसी ने इस चीज़ के ऊपर इतनी डीपली चर्चा कभी नहीं की होगी जितनी डीपली। और मेडिसिन मेडिसिन भी सिंगल मेडिसिन, या आपको कोई ऑइंटमेंट जैसे, या सॉरी ऑइंटमेंट नहीं, जैसे हमारे यहाँ ये बने बनाए डाइल्यूशन आते हैं, आपको थंबनेल में डाल दिया कि ये ले लो इससे ये ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक आपकी बॉडी के सारे सिम्टम्स का इलाज ना किया जाए उससे सिर्फ रोकथाम हो सकती है। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग यदि आपका इलाज होता है तो आपको इन गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। हमारे पास जो पेशेंट आए हैं उनकी स्थिति ऐसी थी कि 10 मिनट एक जगह बैठ नहीं सकते थे, जैसे ही यूरिन गए बड़ा प्रेशर हुआ, और प्रेशर होने पर जैसे वे पेशाब के लिए गए, वहाँ जाते ही उनको कुछ बूंद पेशाब आने के बाद बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन, बहुत ज़्यादा जलन और पेन होने के कारण वे वापस लौट आते हैं। थोड़ी देर बैठेंगे फिर उनको प्रेशर बनेगा, क्योंकि यूरिन उनका एक बार में क्लियर नहीं होता। इसका सबसे मेन कारण है हमारे यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा कहते हैं पेशाब की नली को, उसमें स्ट्रक्चर बन जाना या उसमें अबूल सिस्ट बन जाने की वजह से ये शिकायतें अक्सर देखने में आती हैं। इसमें जो मेडिसिन हम बताएंगे वो मेडिसिन आप आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों तरह से, आपको शरीर में कहीं भी मस्से हो, आपके किसी भी शरीर के पार्ट्स पर मस्से, पैरों के नीचे कई एक को गड्ढे हो जाते हैं,
जिनको कई जगह डील भी बोलते हैं, पैरों के नीचे तलों में डील हो जाती है, जो अक्सर टाइट शूज पहनने से या शूज में जूतों के अंदर कई बार बारीक कंकर जाने की वजह से बच्चों को ये अक्सर शिकायत हो जाती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, ये पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। जब बच्चे अपने कॉलेज से आते हैं, आते ही कहीं जूते फेंक दिए, कहीं पे उनके मोजे पड़े हैं, जुराबे पड़ी हैं, और आते ही बैठ के खाना खाने लग जाते हैं, तो आपका सबसे पहला फर्ज है अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि बच्चों को आते ही थोड़ी देर रेस्ट करा के उनको बोलें आप हाथ पैर धोएं, उसके बाद आप भोजन लें। तो ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा देर तक शूज़ जूते पहने रखने से, उसके अंदर मोजे रखने से पैरों में स्मेल हो जाती है, पैरों में बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगती है, तो ऐसे ये बीमारी ठीक होने की बजाय और बढ़नी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमेशा घर की महिलाओं का काम होता है अपने बच्चों को किस तरीके से गाइड करना है। तो इस पर आप, मैं अब आपको बहुत ही उपयोगी मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली मेडिसिन इसमें कॉस्टिकम है। कॉस्टिकम मेडिसिन जो है, इसके मस से फूल गोभी की शक्ल के होते हैं, ऊपर से खिले खिले से टाइप के होते हैं, एक मुश्त नहीं होते, खिले खिले से होते हैं, और थोड़े से ब्लैक टाइप के होते हैं, काले जैसे होते हैं। तो कॉस्टिकम मेडिसिन उसमें देने से, वे मस चपटे मस्से होते हैं इसके, सॉरी चपटे होते हैं, गोभी की शक्ल के होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी स्किन पर फैले हुए होते हैं, एक छत्ता जैसा बना लेते हैं। उसके लिए कॉस्टिकम मेडिसिन बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। इसको आप 30 पोटेंसी में दिन में 3-4 बार दें, और तब तक दें जब तक पेशेंट को आराम नहीं हो जाता। कास्टिकम का पेशेंट जो होता है, इसके पेशेंट को यूरिन सेंसेशन जब होता है, यूरिन में इन्फेक्शन जब होता है, गोनोरिया की शिकायत जब होती है, तो मरीज यूरिन को रोक नहीं सकता। जब यूरिन का प्रेशर पेशेंट को पड़ता है, तो यदि वो तुरंत यूरिन पास करने के लिए नहीं जाता, तो उसके अक्सर कपड़ों में यूरिन निकल जाता है। बच्चे अक्सर रात को सोते हुए भी बिस्तर में यूरिन कर देते हैं। मैंने अभी एक बच्चों के बिस्तर गीला कर देने के ऊपर मेडिसिन डाली थी, उसमें एक कास्टिकम बहुत बेस्ट मेडिसिन है। यूरिन से संबंधित किसी भी किस्म की दिक्कत हो, उसके लिए बहुत उपयोगी मेडिसिन है। फ्रेंड, दूसरी मेडिसिन इसमें थूजा है। अब आप ये समझिए, आप बहुत, मैं इतनी गहराई से आपको किसी डॉक्टर ने आज तक बताया नहीं होगा, मैंने कास्टिकम के मसों का टाइप आपको बताया, अब मैं थूजा के मसों का टाइप बताता हूँ। बहुत से लोग, पेशेंट हमारे पास भी आते हैं कि सर थूजा दे दीजिए मसों के लिए, तो ये आप समझने की कोशिश करें कि थूजा के मसे होते किस टाइप के हैं। जिस टाइप के मसे होंगे, उस टाइप की मेडिसिन, उनसे संबंधित मेडिसिन यदि आपको नहीं ले पा रहे हैं आप, तो वे मस्सों पे आप चाहे 1 साल तक लगाते रहो, खाते रहो, मस्से बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे। थूजा के मस्से एक मुश्त होते हैं, जैसे छोटा सा कोई अंगूर हो, इस टाइप का मस्सा होता है, एक मुश्त मस्सा होता है, उसमें खिलावट नहीं होती, लटकमा मस्से होते हैं। मुंह के पास से ये मस्सा बहुत बारीक होता है, और ऊपर से ये गोल अंगूर के गुच्छे के आकार का होता है, थूजा का मस्सा। क्या आपने को बताया किसी ने इस टाइप का थूजा का मस्सा होता है, उसमें आप थूजा यूज करें? लेकिन कोई भी पेशेंट किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे जाएगा, कहेगा कि मुझे मस्से हो रखे हैं, थूजा ऑइंटमेंट दे दो या थूजा खाने को दे दो, बस जैसे हो, जैसे एक आजकल मेडिसिन हमारी पथरी में इतनी प्रचलित है, एलोपैथिक मेडिकल स्टोर्स पे भी जाएंगे आप, वहाँ भी मिलेगी,
बेरबेरीज के पथरी के लिए आप बेरबेरीज दे दीजिए। जब तक आपके किसी भी सिम्टम्स को आप मैच नहीं करेंगे, रीड नहीं करेंगे, आप कितनी भी दवाई खाते रहें वो आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं करेगी। हाँ, कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर कर सकती है, क्योंकि जो इस मेडिसिन के सिम्टम्स हमारी बॉडी में मैच नहीं करते तो वो हमारी बॉडी के अंदर उन सिम्टम्स को पैदा करना शुरू कर देती है। तीसरी मेडिसिन मैं इसमें बताता हूँ फ्रेंड्स, तीसरी मेडिसिन है इसमें हेरम पिक्रिकेटम। हेरम पिक्रिकेटम जो मेडिसिन है वो मेडिसिन उसके मस्से मरीज के हाथों में उंगलियों में होते हैं, उंगलियों के आसपास होते हैं और चपटे मस्से होते हैं, वाइट कलर के मस्से होते हैं, स्किन के कलर के मस्से होते हैं। उसके लिए हेरम पिक्रिकेटम 30 पोटेंसी में तब तक देते रहें जब तक मरीज के मस्से खत्म नहीं हो जाते। इसमें चौथी मेडिसिन है नाइटिक एसिड। नाइटिक एसिड के मस्से जो होते हैं पेशेंट के, वो नीचे से मोटे होते हैं और ऊपर से उनके किनारे बारीक होते चले जाते हैं, यानी जैसे छोटे छोटे सींग टाइप के मस्से जिसको कह सकते हैं, ऐसे नाइटिक एसिड के मस्से होते हैं। और इनके मस्से जो होते हैं अक्सर उनको जरा सा छूने से, जरा सा कट लगने से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, तो वे नाइटिक एसिड के मस्से हैं, उसमें नाइटिक एसिड आप दे सकते हैं। नाइटिक एसिड कई पेशेंट को ये मस्से एनस में भी हो जाते हैं और एनस में होने पर उनको ये मस्से इस तरीके से चुभते हैं जैसे किसी ने तीन के चुभो दिए हों, और उसमें जरा सा कॉन्स्टिपेशन होने से, जरा सा दबाव पड़ने से पेशेंट को ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। उसमें भी ये बहुत उपयुक्त मेडिसिन है पाइल्स के लिए। इसमें सबसे लास्ट मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रूड। एंटीमोनियम क्रूड के पेशेंट को एक तो उसका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, डाइजेशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, जीभ के ऊपर उस पेशेंट की हर समय सफ़ेद जीभ हुई रहती है, उसके ऊपर गाढ़ा लेप जैसा होता है वाइट कलर का, ये इसके खासकर सिम्टम्स हैं एंटीमोनियम क्रूड के। और इसके पेशेंट के जो मस्से होते हैं वो मस्से गट्टे जिनको कहते हैं, कई जगह डील भी कहते हैं उनको, वे हमारे तलवों के नीचे होते हैं, जो अक्सर मैंने पहले भी बताया है टाइट शूज़ पहनने से, या उनके शूज़ के अंदर कई बार कोई बारीक कंकर वगैरह चली जाती है और हम उसको नहीं निकालते लापरवाही के कारण, तो उस चीज़ से वहाँ पे जख्म जैसे होने शुरू हो जाते हैं और वे गट्टे का रूप ले लेते हैं। उसके लिए एंटीमोनियम क्रूड सबसे बेस्ट मेडिसिन। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जो ये मेडिसिन मैंने बताई है, इन मेडिसिन को आप फिर भी इतने समझाने के बावजूद भी यदि आप इन मेडिसिन को सही ढंग से, सही तरीके से नहीं सिम्टम समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो इनको आप पांचों की पांचों मेडिसिन को 10-10 ml जर्मनी समान मात्रा में लेकर एक शीशी में मिला लें, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसमें से 5-5 बूंद ड्रॉप आप 1/4 कप पानी में डाल के लें, 1 और 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको किसी भी किस्म का कैसा भी मस्सा हो वो झड़कर ऐसे गिर जाता है जैसे किसी पेड़ से पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, उनका निशान भी नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन्स मैंने आपको इनके हमारे शरीर में होने वाले दुष्प्रभाव इस बीमारी के, उसके ऊपर बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन बताई हैं। आप इन मेडिसिन को लें तो ये बहुत ही अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।